नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड्डे 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिपाही की भर्ती निकाली गई करीब 11,880 पदों के लिए, लेकिन उसके बाद यहां पर बिहार के होमगार्ड सिपाही में भी वैकेंसी और ऐड की गई और अब यहां पे बिहार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसी ऐड कर दी गई है। करीब यहां पर 500 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और ये वैकेंसी है चलंत दस्ता सिपाही की, जिसके बारे में मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल दिया है। शायद हो सकता है कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जहां पे मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल दी है। आवेदन शुरू हो चुका है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इन 496 पदों के लिए फॉर्म कैसे आवेदन करना है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की ये वैकेंसी निकाली गई है। मात्र 3 चरण है, 3 स्टेप है, जिसके चलते आप यहाँ पे जिससे आपकी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों साथ ही साथ YT एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वहां पे लगातार आपको यहां बिहार दरोगा बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आर कराए जा रहे हैं, आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट पे, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा तभी आप इसके लिए आवेदन करने का वीडियो देखिएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहां देखिएगा 28 अक्टूबर को ये लिंक एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आज से ही यानी कि 29 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाना है। दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जो कि जहां पे आपको ये 3 स्टेप के बारे में बताया गया है। ये देखिए, पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, और तीसरा और आखिरी स्टेप है अपने एप्लीकेशन के स्टेटस देखने का, यानी कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा पाया है इसके बारे में ये जानकारी देगा। दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले इस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे पंजीकरण करना है और क्या क्या आवश्यकताएं चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, जिसपे कि आपको ये सारी डिटेल आ सके, मैसेज आ सके, और आप यहाँ पे इस चीज़ को सेव करके जरूर रखिएगा अपने ईमेल पे, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं मान लीजिए वैकेंसी को रद्द कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया तो जब फॉर्म फिर से री भराया जाए आपसे, तो आप उसके लिए ये चीज़ें सेव करके रख लीजिएगा, आपके लिए ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों बिहार राज्य का अधिवास डोमिसाइल, यहाँ पे यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुनिएगा, अन्यथा नहीं चुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि एक कैंडिडेट ने मैसेज करके पूछा है कि भैया ये बिहार के अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं क्या बिहार के अलावा, तो बिल्कुल भर सकते हैं दोस्त, जो भी कैंडिडेट यहाँ से आउट ऑफ स्टेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन उनको एज ए जनरल यहाँ पे काउंट किया जाएगा तो उनसे 450 रुपये ही फीस ली जाएगी। बस यहाँ पे SC ST जो कैंडिडेट हैं उनसे 112 रुपये फीस इस फॉर्म को भरने का लिया जा रहा है। आरक्षण वाइज यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल बताइएगा अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, अन्यथा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के फॉर्म जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। तिथि के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आपका न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपका एज होना चाहिए। बाकी जिस जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा, यहाँ पे जैसा कि गवर्नमेंट रूल कहता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फीस के बारे में आपको एक बार और बता दूं कि 450 रुपये फीस है और 112 रुपये आपका SC ST कैटेगरी के लिए है, बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं महिला हैं या पुरुष हैं उनसे 450 रुपये ही लिए जाएंगे। ये तो सारी बातें हो गई दोस्तों, अब रही बात पंजीकरण कैसे करना है। तो ये जो अप्लाई का लिंक दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, वैसे वो ये लिंक आपको नीचे भी मिलेगा आपको, है ना, पर आपको इंस्ट्रक्शन एक बार बता दिया गया है कि अगर आप गलती से कोई आपका जो पंजीकरण है वो भुगतान किया गया है, आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको आवेदन जो है आवेदक को अपना रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग करना पड़ेगा और पंजीकरण को रद्द करके फिर से आपको फॉर्म भरना होगा, और जब फिर से फॉर्म भरिएगा तो आपको ये फिर से पेमेंट भी करना होगा। तो एक बार में ही अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा उसका जो आपका फॉर्म कैंसिल करेंगे। पंजीकरण रद्द करने का जो दिशा निर्देश है आपको एक लिंक दिया गया है, ये
इसी पे जाके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे बटन पर क्लिक करना है। आवेदन जो है वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा सबमिट का, है ना, वहाँ पे सबमिट कर देना है आवेदन का जो पंजीकरण डाल के, और आपका वहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन से विवरण मांगा जाएगा, कैंसिल रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई देगा, आपको वहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप है, अगर आपने कोई गलती कर दी फॉर्म में तो उसको सुधारने का एक स्टेप है। यहाँ से आप फिर से पैसे लगा के फिर से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म को कैसे रीन्यू करके भर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। ओके, तो ये दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगा कैंसिलेशन का, उस ओटीपी को डालिएगा, आपका जो रद्दीकरण का जो मतलब यहाँ पे प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। दोस्तों एज को लेकर यहाँ पे जो है आपका वो 10th के मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है उससे काउंट किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कम से कम यहाँ पे 10th प्लस 2 जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक क्लिक करना होगा इस खाने में, और यहाँ पे ये आपको बता रहा है जा रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस दिशा निर्देश जो भी दिया गया है CSBC के द्वारा इस ज्ञापन संख्या 4/2019 के भली भांति पढ़ लिया है, और ये उसके बाद ही मैं अपना जो सारा दस्तावेज के अनुसार इसके लिए आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी या करूँगा या करूँगी, है ना, इसके बारे में करके देन आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे अपना पोस्ट देखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, ये पोस्ट का नेम है ना, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, जो कि आपका सिपाही दस्ता जो है पोस्ट है, यही है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। इंटर एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम, तो अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, है ना, सरनेम जो होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेना है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, अपर कंट्री से हैं तो ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंटर द एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर अपना डालना है और ईमेल आईडी, ये खासकर अपना ही डालिएगा जो कि आपके लिए इन फ्यूचर काम आ सके, पासवर्ड जरूर याद रखिएगा ईमेल आईडी का, है ना। आर यू डोमिसाइल फॉर बिहार, तो यस कर दीजिएगा, नो नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। होम गार्ड के हैं स्टेट के अगर आप, तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा जो कैंडिडेट होम गार्ड से रिलेटेड है उनको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो यस कीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करिएगा, नो पे, ठीक है। यानी कि होम गार्ड में अगर आप कार्यरत हैं यानी कि एक्सपीरियंस है तो ही इसकी बात की जा रही है। अगला है हमारा दोस्तों कि सेलेक्ट द एप्लीकेंट रिजर्वेशन देन कैटेगरी, तो इस जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, EBS या BC या SC या ST, है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको है सेलेक्ट द एप्लीकेशन एप्लीकेंट जेंडर, मेल है या फीमेल है ये बताना है। यहाँ पे दोस्तों अगला है कि सेलेक्ट द एप्लीकेंट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे है, ठीक है, और ये 1 अगस्त 2019 से बेस मान के आपका एज काउंट करेगा। आर यू हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस, यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो नो पे। आर यू एम्प्लॉय फॉर बिहार गवर्नमेंट, तो यस पे अगर हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो पे, और देन यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। जैसे आप इसके ईमेल आईडी पे जाएंगे दोस्तों, ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा उसको सेव करके रखना है खासकर। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपसे आपका पेमेंट मांगा जाएगा। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ इस चीज़ को करके भर के यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और ये आपसे बोलेगा जब आप यहाँ पे एज अपना कम से कम 25 साल के अंतर्गत हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। 18 से लेकर 25 साल तक के एज के क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है एक्चुअली यहाँ पे लिखा गया है, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका कम से कम यहाँ पे 25 साल के अंतर्गत का होना चाहिए जो जनरल से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया प्रोसीड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन होके मेरे मेल पे भेज दिया जाएगा और मुझे मैसेज भी कर दिया जाएगा और मुझसे यहाँ पे 450 रुपये फीस भरने को कहा जाएगा। दोस्तों इस कैप्चे को यहाँ पे डालेंगे और देन ये मुझे उस पेमेंट वाले सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ से मैं इसके लिए पेमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको मेक पेमेंट पे करता हूँ, मैंने कैप्चा डाल दिया यहाँ पे, है ना, और कोई भी अगर सुधार करना है तो पहले ही कर लीजिएगा पेमेंट करने से पहले, है ना, क्योंकि बाद में फिर सुधार करने का आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। ओके,
देन ओके करके आपको यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन पे ले आएगा। अब यहाँ से आप जिस किसी से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, और SBI का डेबिट कार्ड, अदर बैंक का, यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं कि कौन से बैंक से कर सकते हैं, किसी भी बैंक से कर सकते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर आप UPI वगैरह से भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो पेमेंट करना है। तो चलिए मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, और देन पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो सारा डिटेल है एजुकेशन का वो भरा जाएगा। एजुकेशन डिटेल भरने के बाद आपसे यहाँ पे फाइनली एक एक पूरा प्रीव्यू देगा आपको, है ना, फॉर्म भर लेंगे उसका एक प्रीव्यू देगा। प्रीव्यू में आपसे बोलेगा कि सबमिट और कैंसिल, तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको स्टेटस दिखला देगा कि आपका फॉर्म भरा चुका है। पेमेंट भी दिखला देगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह अच्छे से भर लीजिएगा, है ना, इसके बाद ही वो पेज खुलेगा जैसे आप पेमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे इस फॉर्म को भरना नहीं है, है ना, तो आप इस फॉर्म को जरूर यहाँ से आवेदन करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाइएगा, अपना सारा डिटेल परमानेंट डिटेल भरिएगा और आप इसका जो है कि स्टेटस प्रीव्यू ले लीजिएगा और उसका एक प्रिंट निकाल के एप्लीकेशन का जरूर अपने पास सेव कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे। चूंकि मैंने आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना बता दिया है कि फॉर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करना और पेमेंट कैसे करना है ना, अब आपको अपना एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तो सब कुछ आप डाल ही सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए आप आगे प्रोसीड कीजिएगा और फाइनली इसका जो एप्लीकेशन भरने का जो सारा डिटेल है वो अपने पास एक सेव करके जरूर रख लीजिएगा। वैसे आपको ये जैसे आप पेमेंट करके सारा चीज़ें प्रीव्यू कर लीजिएगा, एप्लीकेशन स्टेटस देख लास्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से लिंक दिया गया है। चूंकि मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए ये वो दूसरा स्टेप है जहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने होंगे जिसमें कि आपको एड्रेस और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा डिटेल देना होगा, और फाइनली आप यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेंगे और उसका एक प्रिंट निकाल के भी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस फॉर्म को आप आराम से भर सकेंगे और बहुत ही आसानी से भर सकेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल बता दूंगा, कोई भी अगर दिक्कत होता है तो फॉर्म भरने में। दोस्तों ये 496 पदों की वैकेंसी थी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो आप जरूर यहाँ पे आवेदन करके इसको भर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।